हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स। ओके, वैसे तो ये हमारा अगला लेसन है, अगला और लास्ट लेसन है, लेकिन फिर भी हम ये स्टोरी अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हमें इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे बाकी वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। अभी आपको इस बुक में एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें एक एलिफेंट है जो कि सोया हुआ है। ओके, एक पेड़ के नीचे एक एलिफेंट क्या है, सोया है। तो अ लिटल मंकी लिव विथ हिज फैमिली इन अ जंगल। एक छोटे छोटे मंकी जो थे, मंकी मतलब बंदर थे, जो कि अपने फैमिली के साथ जंगल में रहते थे। वन डे, एक दिन, द लिटल मंकी वॉज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। एक दिन क्या हुआ, वो जो छोटे छोटे मंकीज थे वो अपने भाई और बहन के साथ जंगल में खेल रहे थे। दे वेयर जम्पिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। वो खेलते खेलते जो भी पेड़ की जो भी ये थी टहनियों पे एक जगह से दूसरी जगह पे वो जंप कर रहे थे, मतलब कूद रहे थे। एंड फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो कूद कूद के जा रहे थे। देयर मदर वॉज वॉचिंग देम प्ले, और उनकी जो मम्मा थी वो उनको खेलते वक्त देख रही थी। अ बिग एलिफेंट वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। एक बड़ा सा जो एलिफेंट था, हाथी था, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी देखते हैं हम आगे क्या होता है। द नॉटी मंकी सॉ द स्लीपिंग एलिफेंट एंड जंप ऑन इट्स बैक। एक नॉटी मंकी मतलब एक शरारत करने वाला जो मंकी था, उसने क्या शरारत की कि जो एलिफेंट सो रहा था उसके पीठ पर वो उसने जंप कर दी, मतलब वो कूद गया। आई कैन हैव अ गुड राइड ऑन इट्स बैक, सेड द मंकी एंड लाफ। वो मंकी बोलने लगा कि मैं क्या हूँ, मैं अभी इसके पीठ पर क्या करूँगा, शेयर करूँगा, और जोर से हंसने लगा। द एलिफेंट वोक अप, तभी वो हाथी उठ गया एंड ओपन इट्स बिग माउथ एंग्रीली, और उसके वजह से, उस मंकी की वजह से उसकी नींद उड़ गई और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, और वो उसने अपनी जो बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा जो मुंह था वो ओपन करके वो बहुत ही गुस्से से क्या करने लगा, गुर्राने लगा। द लिटल मंकी वॉज अफ्रेड एंड जम्प बैक ऑन टू द ट्री। जो छोटा मंकी था वो बहुत डर गया और उस ट्री पे उसने फिर से क्या कर दी, जम्प कर दी। नाउ द एलिफेंट लाफ, द लिटल मंकी कॉल इट्स मदर एंड सेड प्लीज हेल्प मी। अभी उस मंकी को उस पे कुत्ते हुए देखकर वो जो एलिफेंट था वो उसके ऊपर हंसने लग गया, जैसे कि वो हंसा था उसकी नींद उड़ाकर। अभी एक लिटिल मंकी उसके मम्मा को बोला, प्लीज हेल्प मी, मम्मा मेरी मदद कीजिए। द मदर सेड, यू हैव ट्रबल द एलिफेंट, सो से सॉरी टू हिम। उसके मम्मा उस मंकी को बोलती है कि तुमने उस मंकी एलिफेंट को क्या किया, बहुत परेशान किया है, उसकी नींद उस तुम लोगों ने क्या कर दी, तुम लोगों ने उसको नींद से क्या कर दिया, उठा दिया, तो तुमने उसको बहुत परेशान किया है, इसलिए तुम उसको क्या कहोगे, सॉरी कहोगे। द लिटल मंकी सेड, तो एक छोटा मंकी आके उससे कहता है, आई एम सॉरी टू द एलिफेंट। वो हाथी से क्या कहता है, आई एम सॉरी। द एलिफेंट वॉज प्लेज एंड सेड, कम आई विल टेक यू फॉर अ राइड। वो एलिफेंट उसको सॉरी बोलने से माफ कर देता है और उसको बोलता है, चलो मैं तुम्हें शेयर करने के लिए, राइड मतलब शेयर करने के लिए लेके जाता हूँ। बोथ ऑफ देम वेंट फॉर अ राइड एंड वेयर हैप्पी, वेरी हैप्पी।
वो दोनों अभी सैर करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो इस तरह से हमने ये लेसन जो है, ये स्टोरी जो है, वो अच्छे से पढ़ ली। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे।